नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। गंगा की उठती गिरती लहरें बयां कर रही थी एक दर्दनाक कहानी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नौगछिया के दर्शनीय घाट में भयानक नाव हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 5 लोगों की लापता होने की आशंका जताई जा रही है। आंकड़ों की माने तो तटवर्ती इलाके में लगभग सभी गांव के 60% आबादी खेती और खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती रही है और रोजाना जिंदगी की तलाश में वे सभी लोग कई बार मौत से भी खिलवाड़ कर बैठते हैं। यही खिलवाड़ इस बार तटवर्तीय लोगों पर भारी पड़ गया। गंगा तट हो या कोसी तट, नौगछिया के सैकड़ों लोग हर दिन नदी पार कर अपने खेतों पर काम करने जाया करते हैं और दूसरों के खेतों में मजदूरी करते आए हैं। इसी कड़ी में बीते गुरुवार तटवर्तीय लोग नदी पार कर अपने खेतों में मक्का की बुआई करने नाव से दियारा पार जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यह सफर उनकी एक भयानक हादसे में बदल जाएगी। इस दुर्घटना के बाद गंगा घाट किनारे हर लहरों के साथ अपनों की एक झलक पाने के लिए एक उम्मीद लोगों में जगती रही, लेकिन हर बार उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता रहा। ऐसा नहीं है कि तीन टंगा दियारा में ये कोई पहला हादसा हुआ है, इससे पहले भी इस घाट पर कई हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके ना तो ग्रामीण और ना ही प्रशासनिक महाकामा इसको लेकर सजग हुआ। इस बार गंगा घाट के समीप ही घटना घटित हुई। नाव को शुरू करने के लिए जब घाट से धक्का दिया जा रहा था, तभी नाव ओवरलोड होने के कारण असंतुलित होकर पलट गई। नाव पर खड़े दर्जनों लोग समेत सभी वाहन और अन्य सामग्री नदी में गिर गए। इस हादसे में 55 वर्षीय सुनैना देवी नाम की एक महिला की डूबने से मौत हो गई। सुनैना देवी हर रोज नदी पार कर अपने खेत में काम करने जाया करती थी और कल की यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। इस हादसे में मृतका के पति को आपदा प्रभारी की तरफ से 4 लाख का चेक मुआवजे के रूप में दिया गया। पर यहां सवाल यह है कि क्या ये 4 लाख का चेक सुनैना देवी के बच्चों को उनकी मां वापस लौटा सकता है? क्या उनके बच्चे एक बार फिर से अपनी मां की गोद में सिर रखकर वो सुकून की नींद सो पाएंगे जैसा पहले सोया करते थे? आप बताइए हमें, क्या ऐसा हो पाएगा कभी? तो इस हादसे का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? इस हादसे में किसकी गलती रही आखिर? क्या उस मांझी का अवैध रूप से नाव चलाना सही था या प्रशासन की किसी अनदेखी लापरवाही का नतीजा रहा यह हादसा? इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सेल टीवी। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें।